और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ऑल न्यू 2019 टीवीएस अपाची आरटीआर 204V डुअल चैनल एबीएस विद स्लीपर क्लच का। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, एज पर द गवर्नमेंट रूल, जितनी भी 150cc की गाड़ियां हैं या 150cc के ऊपर तक की गाड़ियां हैं, उन सभी में आपको सिंगल चैनल या डुअल चैनल एबीएस कंपलसरी देने का कहा है गवर्नमेंट ने। और इसी रूल के नक्शे कदम पर चलते हुए सारी कंपनीज अपनी बाइक में एबीएस को इंस्टॉल कर रही है और शायद कर चुकी है, और ये बहुत ही तेजी से अपने एबीएस वाले मॉडल को ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे ताज टीवीएस पर ये सारे एबीएस वाले मॉडल आ चुके हैं। और आज हम टीवीएस रेसिंग के बड़े भैया टीवीएस अपाची आरटीआर 204V डुअल चैनल एबीएस का रिव्यू करने जा रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक शॉर्ट कंपैरिजन देना चाहूँगा एनएस 200 और आरटीआर 204V का। तो दोस्तों, एनएस 200 का भी 2019 मॉडल आ चुका है, लेकिन उसमें आपको अभी तक सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, जिसके कारण जो सेफ्टी लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर टीवीएस ने आरटीआर 204V में डुअल चैनल एबीएस दिया, जिसके कारण जो सेफ्टी लेवल है वो एनएस 200 के मुकाबले बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसके लुक वाइज और इंजन वाइज में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, और ना ही आपको इसमें न्यू कलर का ऑप्शन मिलता है। जो सबसे बड़ा कॉस्मेटिक चेंज किया गया है वो इसके एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में किया गया है, मतलब एबीएस टेक्नोलॉजी का चेंज इसमें किया गया है। अब बात करते हैं कि एबीएस के आने से प्राइस रेंज में क्या डिफरेंस आया है। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड वाले वर्जन का प्राइस था 1,15,000 ऑन रोड प्राइस दिल्ली, और एबीएस वाले वर्जन का प्राइस है 1,31,000 ऑन रोड प्राइस दिल्ली। तो दोस्तों, सीधा सीधा 15,000 से 16,000 का डिफरेंस आया है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो इसमें आपको 60x55 वॉट का H4 हेलोजन बल्ब मिलता है, और कॉर्नर्स पर आपको LED DRLs मिलते हैं, जो नाइट में आपकी बाइक को एग्रेसिव और स्टाइलिश लुक देने में हेल्प कराते हैं। और ऊपर की ओर आपको कर्व डिजाइनेबल में इसका विंडशील्ड मिलता है एयर को पास करने के लिए और एक कम्फर्टेबल राइड करने के लिए। और दोस्तों, मडगार्ड पर आपको TVS रेसिंग का बैजिंग भी मिल जाता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको कन्वेंशनल इंडिकेटर्स मिलता है, और इसमें आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इंडिकेटर्स के डिजाइन में कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं किया गया है। और दोस्तों, कॉर्नर्स पर आपको ग्राफिक्स का बहुत ही शानदार स्टिकर्स मिलते हैं, जो बहुत ही आई कैची बाइक को लुक देते हैं। रेयर प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो रेयर में आपको एम शेप डिजाइन में LED टेल लाइट्स मिलती है, और दोस्तों, नंबर प्लेट के ऊपर आपको येलो कलर का छोटा सा बल्ब मिलता है नंबर प्लेट को विजिबल कराने के लिए, और इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं। और दोस्तों, टैंक के ऊपर आपको आरटीआई 200 का भी ब्रांडिंग मिल जाता है, और इसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है। इसके इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 197.75cc का सिंगल सिलेंडर SI 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, और दोस्तों, ये बाइक आपको कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टेड दोनों ही वेरिएंट में मिल जाती है। 20.5 HP एट 8,500 RPM का इसमें आपको पावर मिलता है, और 18.1 Nm एट 7,000 RPM का इसमें आपको टॉर्क मिलता है। और दोस्तों, इसमें आपको जो नंबर ऑफ गियर्स मिलते हैं वो आपको 5 मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको यहाँ पूरा ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें आपको इसमें जो नया देखने को मिलता है वो उसका ABS इंडिकेटर देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ABS की लाइट ब्लिंक भी कर रही है। बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस आपको इसमें मिल जाते हैं, आपका स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, दो ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, आपका फ्यूल के, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाता है। स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात की जाए, स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो मटेरियल इसमें यूज़ किया काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। आपका लेफ्ट राइट इंडिकेटर स्विच, आपका हॉर्न स्विच, पास स्विच, जो सारे बेसिक स्विच आपको हर बाइक में मिलते हैं वो इसमें दिया गया है, और जो बाइक की हैंडलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। फ्रंट टायर और सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलता है, और इसमें आपको 90x90 का टायर साइज मिलता है विथ 17 inches व्हील साइज, और इसमें आपको 270mm के पेटल डिस्क मिलते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको ABS का एंडिंग में मिल रहा होगा, मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। रियर टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो रियर में आपको मोनो ट्यूब मोनो शॉक सस्पेंशन मिलता है, और इसमें आपको 130x70 का टायर साइज मिलता है विद 17 inches व्हील साइज, और इसमें आपको 240mm के डिस्क मिलता है विद ABS।
दोस्तों सीट आपको इसमें स्प्लिटेड सीट मिलती है जिसकी कुशनिंग और फैब्रिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है। और दोस्तों अगर आप दो लोग बैठ के राइड कर रहे हो तो बहुत ही कंफर्टेबल राइड कर पाओगे, लेकिन अगर आप किसी थर्ड पर्सन को बैठ के राइड करोगे तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील आपको हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए हमारे वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कर दो, उसको शेयर कर दो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के रोज़ाना ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। और दोस्तों अगर आप कुछ डाउट्स रिलेटेड टू TVS अपाची RTI 204V से तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और हाँ, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर ही फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए थैंक्स।